अधीर रुक कर दे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दो दिन के राजस्थान दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में अभिनेत्री चाहत खन्ना ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बयान दर्ज कराया। सुल्तानपुरी हॉरर केस में पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। सुल्तानपुरी हॉरर केस में पीड़िता की दोस्त का खुलासा, हादसे के वक्त चीख रही थी अंजलि। हादसे के बाद लड़कों ने कार को आगे पीछे किया और फरार हो गए। अंकिता मर्डर केस में आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा या नहीं, 5 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पूर्व आरएडब्ल्यू चीफ एएस दौलत। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में किया कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगी जदयू, नीतीश कुमार ने दिए संकेत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले राहुल गांधी चाहते हैं कि चीन के आगे सरेंडर कर दिया जाए। बिहार के आरा में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़िया, मिलेगी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। वडोदरा में रिनोवेशन के दौरान गिरा 2 मंजिला मकान, 3 लोगों की हुई मौत। उड़ीसा में एक और रूसी नागरिक का शव मिला। थाईलैंड जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वापस लौटना पड़ा दिल्ली। सौरभ गांगुली संभालेंगे दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर की कमान। जसप्रीत बुमराह श्रीलंका सीरीज के लिए वनडे टीम में हुए शामिल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।